रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? समझ गई हूँ मम्मी, हारून को खफा नहीं करना मैंने, बल्कि उसे तो अपनी मुट्ठी में रखना है। हाँ, वो कोई मिडिल क्लास का मजबूरी में जकड़ा हुआ मर्द नहीं है। अगर वो एक दफा तुमसे खफा हो गया ना तो तुम्हारी तरफ मुड़कर देखेगा भी नहीं। सुना है तुमने मैं क्या कह रही हूँ? जी अम्मी, अल्लाह हाफिज। अम्मी ठीक कह रही हैं, हारून से मुकाबलेबाजी में तो मेरा अपना ही नुकसान है। कुछ देर उसकी कड़वी का सहेली सुन लूंगी तो मेरा ही फायदा होगा। वो मुट्ठी में होगा तो ये सब मुट्ठी में होंगे। लेकिन पूछूं तो सही कहाँ गायब है? मुझे तो दादी से भी बनाकर रखनी होगी अब। और पहले दादी से तो सॉरी बोल लूं। लेकिन चेक साइन कर देना, मुझे जितनी रकम चाहिए होगी मैं उसमें भर लूंगा। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? जब मेरी प्रॉपर्टी का हिसाब फारिस के पास है तो ये फारिस से क्यों रकम नहीं मांगते? क्या ये फारिस के इल्म में लाए बगैर मुझसे ये रकम लेना चाह रहे हैं? एक तो फारिस कभी मेरी कॉल अटेंड ही नहीं करता। रात के 12 भी बज रहे हैं, शायद सो रहा हो। लेकिन इस उलझन के साथ मुझे कैसे नींद आएगी? राखी कौन इस वक्त? हेलो, सॉरी हारून, मैंने आपको गलती से मिला दिया। मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मसला नहीं हुआ। एक मिनट निम्रा, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? इस वक्त कॉल की तुमने, सब ठीक है? वो मैं सो रही थी, मैंने बुरा ख्वाब देखा तो डर गई, सोचा आपको कॉल कर लूँ। अच्छा, तुम डर गई थी। निम्रा, तुम चाहो तो इस वक्त बात कर सकती हो, शायद तुम बेहतर फील करो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मुझे लगता है कि चाची भी जागी हुई हैं। अल्लाह हाफिज़। जिसकी जिम्मेदारी हूँ वो कॉल तक नहीं लेता, और आप सारी रात मुझसे सिर्फ इसलिए बात करेंगे क्योंकि मैं डर रही हूँ, परेशान हो रही हूँ। मत करें ऐसा, मेरी परवाह करनी छोड़ दें, भूल जाएं मुझे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, तौबा, इतनी महंगाई, इतनी महंगाई! इतने पैसों में ना ये चार सब्जियां आई हैं, ना मछली ना गोश्त। मेरा तो दिल तरस गया इन चीजों को। जायका भी भूल गई उनका के कैसा जायका था। अरे अम्मा, क्यों फिक्र करती है तू? बस थोड़ा सबर कर, हमारे दिन बदलने वाले हैं, फिर तू देखी, तेरे लिए तरह तरह खानों का मेला लगा दूंगा मैं। तू मेला लगाएगा? बातें करा लो बड़ी बड़ी तुझसे। मैंने तो सोच लिया है, तेरा ना किसी अच्छी जगह रिश्ता कराती हूँ, चार पैसे हैं कम से कम, मेरे तो दिन बदले। गोश्त मछली खाना तो नसीब हो। कल ही मैं बुला रही हूँ रिश्तेवाली को, करती हूँ बात। अरे रुक जा, रुक जा। क्यों रुक जाऊं? ये क्या जल्दी है तुझे इतनी? क्यों ना जल्दी करूं? तूने उस कुलमुई के पीछे जोग लेने का इरादा तो नहीं कर लिया? देख कामी, अगर तूने कुछ ऐसा वैसा सोचा तो मैंने जूता उतार लेना है और मार मार के ना तेरा सर तोड़ देना, तुझे गंजा कर देना। मैंने, तूने मुझे चरिया समझा हुआ है क्या? पागल नहीं है तेरा बेटा? और तू देखी, जोग लेंगे अब हमारे दुश्मन।
अम्मा फिक्र क्यों करती है? हमारे दिन बदलने वाले हैं, बहुत बड़ी आसामी हाथ लगी है हमारे। क्यों फिक्र करती है तू? सोलह से सबर कर ले। और अल्लाह करे तेरी जबान मुबारक हो। ये सबर का फल मीठा होता है। तरस गई मैं तो पैसे को। हारून, आप कहाँ थे? आपको पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी आपके लिए? कोई एहसास है आपको? मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठाई? दिल नहीं चाह रहा था। दिल नहीं चाह रहा था? ये क्या बात हुई? ये क्या जवाब हुआ हारून? आपको कोई परवाह नहीं है कि मैं आपके लिए कितनी परेशान थी? मुझे अपनी कोई हारून? अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं। ये कैसी बेवकूफी करने वाली थी मैं? हारून बेटा, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि तुम दूसरों के रवैये का खुद से इंतकाम लेने लगो, खुद को अजियत देने लगो। अपना ख्याल रखा करो बेटा। अब मैं थक गया हूं दादी। ऐसे नहीं सोचते बेटा, आने वाले वक्त से अच्छे की उम्मीद रखो। दादी जान, आप इन्हें बताएं कि मैं कितना परेशान थी इनकी वजह से। नई नवेली दुल्हन के साथ कोई इस तरह भी गुस्सा करता है क्या? इतनी कॉल्स की मैंने आपको, लेकिन बजाले आपने एक भी अटेंड की हो, कोई कॉल बैक कर दियो। नहीं, इसलिए कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता था। दादी जान, आप सुन रही हैं? तुम जाओ यहां से। हारून, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। तुम प्लीज इनकार नहीं करना। तुम्हें पता है अम्मा ने भी तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं खाया। आपने खाना क्यों नहीं खाया? आपको पता है ना, आपके लिए वक्त पर खाना खाना कितना जरूरी है। बेटा, मेरी सेहत और मेरी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारी हंसी और तुम्हारा इत्मीनान है। मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। मैंने भी नहीं खाया, बहुत परेशान थी, मुझसे कुछ नहीं खाया गया आज। मेरा मतलब है बहुत कम खाया आज मैंने। तो ज्यादा खा लेती, किसने रोका था तुम्हें? हारून क्या हो गया आपको? गुस्सा थूक देना। हारून, मियां बीवी में ऐसे छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं बेटा, लेकिन इन झगड़ों को दिल में नहीं जगह देनी चाहिए। बस बात खत्म करो। वो सिर्फ आपकी वजह से, आपके कहने पर मैं इसकी सारी बातें इग्नोर कर रहा हूं, उसे एक और मौका दे रहा हूं। शाबाश, तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। अम्मा, मैं डाइनिंग पे खाना लगाती हूँ, आप लोग आ जाए। ठीक है। जी बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। चाचा मुझे बार बार कह जा रहे हैं कि चेक पर साइन करो, रकम मैं बाद में लिख लूँगा। फारिस को हर महीने प्लाजा का किराया मिलता है, ये लोग फारिस से क्यों नहीं मांग रहे हैं, मुझसे क्यों कह रहे हैं? अच्छा बेटा, तुम परेशान मत हो, सादे कुछ दिनों के बाद छुट्टी पर आएंगे ना, मैं उनसे बात करूंगी। लेकिन तुम्हें मजबूत रहना है, कुछ भी हो जाए तुमने किसी चेक पर साइन नहीं करना। निवरा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जिस घर में तुम रहती हो वो तुम्हारा घर है और वहां जो भी खर्च होता है ना वो तुम कर रही होती हो। कोई जरूरत नहीं किसी की कोई बात सुनने की। तुमने फारिस से निकाह करके ना बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा छोड़ो ना, जो हो गया वो तो हो गया। दुआ करो कि फारिस के दिल में इसकी मोहब्बत पैदा हो, वो कदर करे निमरा की। तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ निमरा, घर में बैठी रहोगी ना तो चचा चाचे की बातें सुन सुन के ना तुम बस दिल हो जाओगे,
घर से बाहर निकलो, अपनी जिंदगी को कोई मकसद दो, देखना तुम्हारी जिंदगी कितनी चेंज हो जाएगी। ऐसे निम्रा, अनिला बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। मैंने तुमसे जिक्र नहीं किया था कि हमारे इधर रिफाई इदारा खुला है जो गरीब बच्चों को इस शहर में पढ़ाते हैं, तो क्यों ना तुम मेरे साथ टीचिंग ज्वाइन कर लो। हाँ तुमने जिक्र तो किया था, तो चलो एक काम करते हैं, दोनों साथ टीचिंग भी स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा और नेकियां भी कमा लेंगे। तुम ठीक कह रही हो, बस फैसला हो गया, मैं वहाँ जाऊंगी और वहाँ काम करूंगी। शाबाश बेटा, अब अपने वादे पे ना पक्की रहना, इन्हों चची जान की दो बातें सुन के तुम्हारा इरादा बदल जाए। नहीं ऐसा नहीं होगा। शाबाश बेटा, तुमने हिम्मत करनी है, हम हैं ना तुम्हारे साथ, कोई जरूरत नहीं किसी से डरने की। अम्मी ने बिल्कुल सही कहा, हारून को मुट्ठी में करने के लिए सियासत से चलना पड़ेगा। अगर ये हाथ से निकल गया तो समझो सब कुछ ही निकल जाएगा। एक बार हारून के जहन पर कब्जा जमा लो, फिर घर के इन फालतू लोगों से छुटकारा पाना तो बिल्कुल भी मुश्किल है। के लिए चाय बना लाऊं? मेरे लिए? रहने दो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जाकर अपने लिए चाय बना लो। हारून सॉरी ना, मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने पिछले रवैये पे, आइंदा नहीं होगा, प्रॉमिस। नहीं तुम चाहो तो उसी रवैये पे कायम रह सकती हो, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोन आ रहे, किसका फोन बज रहा है? फारिस का, जरूर इसके निकम्मे दोस्त होंगे। खाला की कॉल? हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी आप? मैं सना बात कर रही। तुम? फारिस का मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अच्छा, कराची जाने के बजाय वो तुम्हारे पास आके अपना टाइम बर्बाद कर रहा है? अरे नहीं नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है, फारिस नहीं बल्कि मैं ही कराची में हूँ। तुम कराची में हो? अरे मुझसे पहले तुम मेरे घर में कैसे जा सकती हो? वो
खाला मैं आपको क्या बताऊं, पता ही नहीं चला किस कौन है। खाला की कॉल है, मुझे उठने की जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? अरे मैं कैसी हो सकती हूँ, उस मनहूस की आवाज सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई है। मेरे घर में मेरी बगैर इजाजत के वो पहले क्यों गई है, उसकी जुर्रत कैसे हुई है वहाँ जाने की? काम डाउन अम्मी, रिलैक्स, इतना क्यों शोर मचा रही है? आप क्या चाहती हैं? वो निम्र आपकी सारी बातें सुन ले और हमारा बना बनाया प्लान फ्लॉप हो जाए? हाँ तो फिर ये कराची क्यों गई है? क्योंकि मेरी बीवी है, शादी हो चुकी है मेरी इससे, तो जहाँ मैं रहूंगा वहाँ ये भी तो साथ में रहेगी ना। बकायदा दुल्हन बनाकर पूरी बारात के साथ लेकर आया हूँ घर में इसे। हाय मेरे खुदाया, फारिस तू समझता क्यों नहीं है? अरे ये तुझे उल्लू बना रही है। इसकी माँ ने और इसने मुझे गलत समझा है, मैं कराची आकर इन दोनों के मुंह नोच लूंगी। अम्मी मेरी बीवी है वो, ऐसे मत बात किया करे। अरे बीवी का लगता, तुझे इतना भी एहसास नहीं है? अगर ये खबर तुम्हारी बहन के ससुराल में पहुंचेगी तो कितने खतरनाक नतीजे होंगे। अरे मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर देंगे वो लोग, तू समझता क्यों नहीं है? फारिस मुझे अच्छा खाला, वो दरअसल हम लोग लंच पे जा रहे थे, हमें देर हो रही है, बाद में बात करते। ओके बाय खाला। मेरा गरक हो तेरा मनहूस औरत। अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करके रख दी इन लोगों ने, कहीं का नहीं छोड़ा इन लोगों ने मुझे। हाय नुसरत तेरा बेड़ा गर्क हो, तूने मेरे बच्चे को फंसा के कैसा बदला लिया है मुझसे। सगी बहने ऐसी होती है, हाय मेरी बच्ची का घर बर्बाद ना होना दिया। हाय मेरी बच्ची कैसी मनहूस औरत है, उससे पहले कराची पहुंच गई। इंतहाई पुअर और कामचोर हो तुम, मुफ्त की तनख्वाह बटोर रही हो यहाँ। एमन क्या हुआ है, किस बात पर इतना गुस्सा कर रही हो? मेरे शोहर की हक हलाल की कमाई यहाँ इस तरह हवा में उड़ाई जा रही है और मुझे गुस्सा ना आए? ये यहाँ है ही क्यों, किस लिए यहाँ, कोई काम तो करती नहीं है? नहीं नहीं बीनो तो बहुत मेहनत से काम करती है, सारा घर संभाला हुआ है इसने। आपको इससे बड़ी हमदर्दी हो रही है? हेमन किस लिए जी मैं बात कर रही हो तुम उससे? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप लोगों को तो यहाँ हारून का कोई एहसास ही नहीं है, दोनों हाथों से उनकी मेहनत की कमाई इस तरह उड़ा रहे हैं। और तुम तो आज मेरे साथ चलो ऊपर कुछ काम करने है, फिर उसके बाद तुम्हारा हिसाब करती हूँ मैं। एमन प्लीज रहने दें, मेरे हाथ पांव हैं सलामत, आप लोगों से काम नहीं होता ना मैं खुद कर लूंगी, आप लोगों के आराम में कोई खलल नहीं आने दूंगी पक्का, चलो तुम मेरे साथ। दुल्हन बेगम देखें आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी, अल्लाह का वास्ता मुझे काम से मत निकालें, मेरे छोटे छोटे बच्चे मैं कहाँ जाऊंगी? आज तक तो तुमने कुछ किया नहीं, अब करोगी, कि तुम हाथ ना किसी काम में भी इस्तेमाल कर लिया करो, चलो मेरे साथ, कमे लोग नहीं मुझे चाहिए, चलो मेरे साथ। दुल्हन बेगम बात तो सुने मेरी। आओ तुम्हारा हिसाब करूंगी मैं, निकलो यहाँ से, फ्री की तनख्वाह खाती रहती हो। मम्मी आप फिक्र मत करें, अगर इज्जत बचाने के लिए हमें घर छोड़ना भी पड़ जाए हम छोड़ देंगे, मैं और नोमी अब इतने बड़े हो चुके हैं कि आपको एक इज्जत की जिंदगी दे सके, आप फिक्र मत करें, आ जाए। हेलो। हेलो जी, कौन बात कर रहा है, मैंने पहचाना नहीं। मैं तुम्हारा रकीब बात कर रहा हूँ, मगर मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पहचानता, यूं समझ लो कि मैं तुम्हारी
रग रग से वाकिफ। कौन बात कर रहा है? कोई काम की बात करनी है तो बोलो, मेरे पास फजूल की बातों का टाइम नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो जानता हूँ तुम बहुत मसरूफ रहते हो। मैंने सिर्फ ये बोलना था कि चंद दिनों पहले मैंने तुम्हें कुछ तस्वीरें भेजी थी, एंजॉय तो की होंगी काफी। तुम कहना क्या चाहते हो, मकसद क्या है तुम्हारा? मकसद सिर्फ ये कि मैं चाहता हूँ कि ये तस्वीरें मैं दुनिया के साथ भी शेयर करूँ। क्या मतलब क्या है तुम्हारा, धमकी दे रहे हो मुझे? जाओ, जिसको भेजनी है भेज दो, डरता नहीं हूँ मैं किसी से। बहुत खूब बहुत खूब, मैं जानता हूँ कि तुम किसी से नहीं डरते। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि क्यों ना मैं ये तस्वीरें तुम्हारी बहन के ससुराल से भी शेयर कर लूँ। सुना है काफी बड़े लोग हैं, काफी मालदार हैं, रख रखाव वाले, उनको भी ये तस्वीरें बहुत पसंद आएंगी हैं? वक्त आने पे सब कुछ बताऊंगा, मेरी कॉल का इंतजार कर। क्या हो रहा है, अलमारी ठीक हो रही है? काफी दिनों से सोच रही थी, आज वक्त मिला तो सोचा कर लेती हूँ। बात तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारे कंधों पे मैंने पूरे घर का बोझ डाला हुआ है। एक वो जो निकम्मी नौकरानी रखी हुई है, एक घंटे में एक काम करती है। ये बाद में ठीक कर लेना अलमारी, पहले जाके भरचू खाने को देखो, संभालो। चाची मैं अभी किचन से आ रही हूँ। अरे मैं तुम्हें कह रही हूँ कि जाके अपनी निगरानी में सारा किचन साफ करवाओ, और तुम मुझसे नाफरमानी कर रही हो। देखो मैं तुम्हारी बातों पे पर्दा डाल रही हूँ, अगर फारिज को इस बात का पता चल गया ना तो फिर तुम्हें लग पता जाएगा। ये मुझे दो और जाके बर्चा खाना देखो, ढंग से सारी सफाई करवाना। बढ़िया ही, अपनी अलमारी ठीक करवाने वाली। देखो तो सही इसकी अलमारी में है कि आज खुली हुई है। अरे निम्रा बीबी, सारा काम हो चुका है, बस रोटी रहती है, मैं अभी बना लेती हूँ। मुझे पता है सब काम हो चुका है। यकीनन आपको आपकी चची जान ने कहा होगा, है ना निम्रा बीबी? मैंने सुना ही घर आपका है और इस सब जायदाद की मालिक भी आप हैं, तो फिर ये सब आप पे इतना रोब क्यों जमाते हैं, और आप इन सब का कहना इतना मान क्यों लेती हैं? मैं रोटी बना लेती हूँ। फारिस, फारिस बताओ मैं कैसी लग रही हूं? क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो, परेशान हो? जरूर तुम्हारे अम्मा अब्बा की कॉल आई होगी। एक तो पता नहीं वो तुम्हें क्यों खुश नहीं रहने देते। नहीं भाई, अम्मा अब्बा की कॉल नहीं थी। फिर जरूर उस चौड़ेल की कॉल होगी, है ना? उसका तो नाम सुनते ही मेरा पारा हाई हो जाता है। नहीं भाई, वो भी नहीं थी। फिर तुम कहाँ जाने के लिए इतना तैयार हुई है? वो मैं, पता है फारिस, मेरा दिल चाह रहा था सुबह से कि तुम और मैं किसी बड़े से अच्छे से महंगे से होटल में जाके लंच करें। हाँ मैं कितना अच्छा तैयार हुई हूँ, जो तुम भी जाके तैयार हो। प्लीज सना, भी इस वक्त मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। मेरा तो मूड है ना, और तुम्हें भी फ्रेश एयर की बहुत जरूरत है, जो जाके तैयार हो। अच्छा भाई, बहुत ही जिद्दी हो तुम, हमेशा अपनी मनवाती हो। अपनी ना मनवाती ना बेटा, तो तुम इतने कामयाब भी ना होते। जो जाके तैयार हो। बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ। अच्छी लग रही हूँ।
छोड़ूंगी नहीं। तो माँ बेटी ने मेरा जवान बच्चा मुझसे छीन लिया है, मुझसे छीन लिया। अरे मुझसे चोरी छुपे ब्याह भी रचा लिया और उस घर की मालकन भी बन बैठी। लेकिन याद रखना, ये चार दिन की चांदनी है। जिस रोज मैं कराची पहुंच गई ना, चुटिया से पकड़कर बाहर निकालकर फेंकूंगी। क्या हुआ? फोन पे फोन, फोन पे फोन। भाई इंसान चैन लेने देता है, काम करने देता है, क्या पसूड़ी पड़ गई है? क्या हो गया? अरे इमरजेंसी हो गई थी, इसीलिए तो इमरजेंसी में तुम्हें बुलाया है। और क्या हुआ है? हमारी बेटी तो ठीक है ना? हाँ हाँ, वो सब ठीक है। तो ये जो फारिस ने कराची जाने का शोशा छोड़ा था, वो किस लिए? क्यों? और वो जो शानदार इतना महंगा घर खरीदा था, वो किसके लिए खरीदा था? पहेलियां क्यों बुझवा रही? जो बात है सीधी सीधी बताओ ना। तो सुनो फिर मेरी बात, तुम्हारी औलाद ने चांद चढ़ा दिया है। नुज़्ज़त की बेटी सना से शादी कर ली है और कराची वाले घर में बारात उतारी है। क्या क्या मतलब है? मुझे यकीन नहीं आ रहा, इतना बड़ा धोखा किया उसने, यानी इतनी घटिया हरकत, और हमें किसी बात का इल्म ही नहीं है। ये कब हुआ, कैसे? अरे क्या कैसे हुआ, अरे वो चलाक उसकी बीवी क्या सोचेगी कि फारिस की नजर में इसके माँ बाप की इज्जत तो दो कौड़ी की भी नहीं है। अगर वो मनहूस मारी मेरे सामने होती ना, तो मैं उसका वो हाल करती, उसको नानी याद आ जाती। बहुत ही घटिया और एहसान फरामोश निकला है तुम्हारा बेटा। कमबख्त ये भी भूल गया कि उसे यहां इस मकाम तक पहुंचाने वाले हम लोग हैं। हमें दरबदर कर दिया उसने और करोड़ों की प्रॉपर्टी हजम कर गया। तो और क्या? हाय, अगर ये खबर मेरी एमन के ससुराल तक पहुंची ना, तो वो लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे। अरे मेरी बेटी तो बेचारी शर्म के मारे सर नहीं उठाएगी। बस ना, अब इस बात को किसी तरह छुपाए रखो, इसका पता नहीं चलना चाहिए उसे, निमरा को। अब क्या सोच रहे हो? अरे उस मनहूस मारे को कॉल करो ना, जरा पूछो तो सही उसने ये हरकत की क्यों। क्या सुनाऊं भाई, ये तो ट्रेजेडी हो गई है, अलमनाक ट्रेजेडी हो गई है। या अल्लाह, ऐसी औलाद भी होती है। इसे जानता है? हाँ हाँ, ये तो फारिस है। अरे बताया तो है तुझे इसका, हमारी इलाके में तो रहता है। बड़ा पैसा आ गया इनके पास। कहाँ पुरानी बाइक में घुमा करता था और कहाँ 0 मीटर गाड़ी ले ली है इन लोगों ने। कराची में बड़ा बंगला भी लिया है इसने। मगर इसका तो अपनी कजन से निकाह नहीं हुआ था, मेरा मतलब थोड़े अरसे पहले शादी नहीं हुई थी उसके साथ? हाँ हाँ, वो भी इन्हीं के पास ही रहती है। वैसे कभी इस और फारिस को मैंने आते जाते कहीं देखा नहीं है। फारिस भी बड़ा चला के इसी के पैसे पे पल रहा है। एक बड़ा प्लाजा भी इसका बिकवा दिया इसने। क्या, प्लाजा बिकवा दिया? हाँ सही तो कह रहा हूँ, ऐसी बातें कहाँ छुपी रहती हैं। बड़ा नुकसान कर दिया मेरा उसने। तुम्हारा नुकसान? क्या मतलब? तू एक काम कर, फौरन से पहले यहाँ से निकल जा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथों तेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, पिट जाएगा तू मेरे हाथों। जा रहा हूँ यार। फारिस, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इतनी सी बात है, अगर किसी के पास हमारी तस्वीर है भी तो होने दो, हम दोनों शादीशुदा हैं, मियां बीवी हम दोनों, किस बात का डर है? लेकिन ये बात ना निमरा जानती है, ना ही उसके एमन के ससुराल वाले जानते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने अभी तक किसी को बताया नहीं है। बल्कि मैं चाहती हूँ तुम जल्दी से जल्दी अनाउंस कर दो कि हमारी शादी हो गई है। What? Are you mad? देखो खुदा के लिए ऐसा गजब मत करना, दौलत जितनी भी हो कम होती है। मैंने कराची के इतने बड़े एरिया में घर खरीदा है और अभी मुझे मजीद बिजनेस स्टार्ट करना है, और उसके लिए मुझे अच्छे खासे सरमाए की जरूरत है, और वो सरमाया निमरा से ही आएगा।
लेकिन अगर ये बात उसके इल्म में आ गई ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कहते तो तुम ठीक हो। अच्छा लेकिन इस काम में देर मत करना फारिस, जितनी भी जायदाद रह गई है ना तुम जल्दी से जल्दी उसको अपने नाम करवाओ प्लीज। तुम बेफिक्र हो जाओ, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा ना ये काम भी फौरन कर डालूंगा, तुमसे ज्यादा जल्दी तो मुझे है। जाके चेंज करके आओ। हाँ मैं जा ही रही थी, बल्कि ये सब भी संभालू। हुआ नहीं है, कब से आप पानी ही दे रहे हैं। जी बेगम साहब। चले ठीक है फिर आप जाएं। जी जी बेगम साहब। अच्छा सुने, कल से आपने नोमी को भी काम पर लगाना है, ठीक है। जी बेगम साहब। मैं बैठ कर खाता रहता, कोई काम ही करने का। सही है आप जाएं अब। क्या चल रहा है? तो लगता है खाना बना रही हैं। हाँ हेमन, पीनो को तो तुमने जॉब से निकाल दिया है, अब जाहिर बात है ये काम मुझे को करने हैं ना। बनाया क्या है? कोरमा बनाया है, पालक बनी है और शामी कबाब की टिक्कियां बना के मैंने फ्रिज में रख दी है। चलिए ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अब आप फिर जाकर रेस्ट करें। को ये महसूस होना चाहिए कि सारे घर का बार मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठाया हुआ है, ये नहीं कि कोई और काम कर रहा है। अरे थोड़े से क्या कर रही हूं मैं, कर देती हूँ ना। हारून आ गया है, तुम जाओ जाकर उसे टाइम दो, मैं करती हूँ सब रेडी। नहीं नहीं आप प्लीज जाएं, मैं चाहती हूँ हारून को मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊं, घर मेरा है तो मुझे खिलाना चाहिए ना। आप प्लीज जाएं, जाएं ना। अच्छा बड़ी आई मेरी हमदर्द। जी मैम, जिस निम्रा की बात कर रही थी वो ये निम्रा है। अच्छा तो ये है निम्रा, अनीला ने जिक्र किया था आपका। आई होप अनीला ने आपको हमारे इदारे के बारे में बताया होगा। एक्चुअली हमारा स्कूल फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए तो बनाया नहीं गया, यहाँ तो सिर्फ ऐसी बच्चियों को तालीम दी जाती है जिनके वालदैन उन्हें पढ़ाना लिखाना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, और यही वजह है कि हम टीचर्स को ज़्यादा सैलरी भी ऑफर नहीं कर सकते। मैम मैं बगैर सैलरी के भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। जी मैम, आपने इतने नेक मकसद के लिए ये इदारा कायम किया है, तो हम भी इस नेक मकसद का हिस्सा बनना चाहते हैं। वेरी नाइस, दैट्स अ स्पिरिट। फिर आप ऐसा करें कि
फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और साइन कर दीजिए। थैंक यू। मैं देख रही हूँ हारून आप मुझे बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। जरूरी काम कर रहा हूँ, उसी में बिजी हूँ। अभी की बात नहीं कर रही हूँ, आपको ऑफिस से आए हुए कई घंटे हो गए हैं, मैं आपके सामने नहीं आई तो आपने मेरे बारे में पूछने की या मुझे ढूंढने की जहमत तक नहीं की। मैंने नोट किया है कि मेरे होने या ना होने से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। तो फिर खुद को मनवाओ ना। क्या मतलब है आपका, क्या करूं मैं? आपकी बूढ़ी दादी की इज्जत करती हूँ, आपके गरीब लावारिस रिश्तेदारों का ख्याल रखती हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ